गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो टूडे वी आर गोइंग टू डू डाइजेस्टिव सिस्टम ना फर्स्टली हम सोचें वॉट हैपन्स टू द फूड वंस डाइजेस्ट एक बार हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है अंदर है ना कहाँ जा रहा है उसका क्या बन रहा है वो सब आप थोड़ा सा देखते हैं एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डाइजेस्ट द फूड कितनी देर लगती है फूड को डाइजेस्ट करने में देखो ये मेन फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंजेक्शन ऑफ फूड फूड को अंदर लेना देन ब्रेकिंग ऑफ फूड फॉर सेल एब्जॉर्बशन फूड को तोड़ना और तोड़ के इतना तोड़ना कि हर एक सेल के पास वो फूड पहुंच जाए किसी ना किसी फॉर्म में जो फॉर्म उसको चाहिए देन एलिमिनेटिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल अनडाइजेस्टेड मटीरियल जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो मटीरियल कहाँ जाएगा उसको बाहर निकालना ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है ठीक है सो so अभी डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में इट इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? स्टार्ट हो रहा है माउथ से फिर आता है फैरिंग्स फैरिंग्स फिर ऑइसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं ठीक है uh, और दिस इज लीवर लीवर जो होता है एक असेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन एक हेल्पफुल फ्रेंड कहते हैं ना फ्रेंड्स friend, ऑर्गन्स uh, जो हैं उनमें से एक आता है लीवर एक आता है पेंक्रियास एक आता है गाल ब्लडर ये तीनों जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के फ्रेंड्स हैं मींस दे आर हेल्पिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम फाइन फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आता है स्टमक स्टमक से फूड होता हुआ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटा छोटा पेस्ट बन जाती है जब तो ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में आते आते ये आ जाता है रेक्टम में रेक्टम और रेक्टम में स्टोर होता है और एनस से बाहर आ जाता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरऑल पार्ट है फाइन जी तो अब इसमें असेसरी ऑर्गन्स जो फ्रेंड ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं सलाइवरी ग्लैंड है लीवर है गाल ब्लैडर है एंड पेनक्रियास है हम्म, और एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से आगे माउथ फेरिंग्स लेते भी है नहीं भी लेते वो एक गले का पार्ट आ जाता है ठीक है ऑइसो देन स्टमक देन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड देन एनस नाउ वेयर डज डाइजेशन बिगिन डाइजेशन शुरू कहाँ होती है हमारे माउथ में ये ओरल कैविटी है और इसमें ओरल कैविटी ओरल कैविटी या माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी हम इसको सब कुछ कहते हैं माउथ को हम औरल कैविटी भी कहते हैं बक्कल कैविटी भी कहते हैं और माउथ तो है ही है देन <coughs> इंजेक्शन हम इसमें फूड लेते हैं ना सबसे पहला काम होता है फूड लेकर उसको मुंह में रखना तो मुंह पहला ऑर्गन जिसमें फूड जाता है दैट इज बक्कल कैविटी ठीक है इट इट इज द प्रोसेस फ्रॉम विच द बॉडी टेक इन फूड फूड अंदर लेती है फिर उसके बाद अंदर लेने के बाद उसको आगे डाइजेस्ट किया कि जाता है एबजॉर्बशन किया जाता है एंड एलिमिनेट किया जाता है इसके अंदर जो ओरल कैविटी है माउथ और ओरल कैविटी इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल ये पूरी कहें जो सारे ऑर्गन है माउथ से लेके एनस तक इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल ठीक है सो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला ऑर्गन आपका है ओरल कैविटी और ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है ओरल कैविटी में होता है टीथ ंग स्लाइबरी ग्लैंड एंड बस टीथ, टंग एंड स्लाइबरी ग्लैंड ये सबसे पहला काम डाइजेशन का काम करते हैं <coughs> डाइजेशन देखो दो तरह की होती है केमिकल और मैकेनिकल ये सिर्फ समझने के लिए ये आपकी बुक में भी नहीं है केमिकल में जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं ना जैसे आपका सलाइवा थूक बनता है ना उसमें भी एक केमिकल होता है वो आपके आ, जो फूड आप लेते हो उसको और ज़्यादा ब्लेंड च्यू करने में काम आता है मैकेनिकल तो हम वो होते हैं ना मैकेनिकल का मतलब जब हम काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं किससे काम कर रहे हैं टीथ से काम करते हैं ना टीथ से कट करते हैं क्रश करते हैं ग्राइंड करते हैं तो ये टीत का काम है केमिकल है सलाइवा बीच में मिक्स होना और फिर उसका मिक्स होके और कुछ बनना केमिकल्स बनना अब टीथ का एक बार स्ट्रक्चर देखो <coughs> टीथ का एक होता है क्राउन बीच में होता है नेक जहाँ पे ये ज्वाइंट होता है गम्स से और गम्स के अंदर जहाँ पे ये अटका हुआ है जहाँ जिसके सहारे ये खड़ा है उसको बोलते हैं रूट ठीक है टीथ के थ्री पार्ट्स हैं दैट इज क्राउन देन रूट रूट को हम रूट जिसके अंदर रूट होती है ना उसको बोलते हैं सॉकेट ठीक है, है? ये आपकी बुक में भी है पेज नंबर वन फोर्टी टू सबसे ऊपर टीथ हार्ड स्ट्रक्चर होता है बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है दो पार्ट इसके मेनली क्राउन और रूट होते हैं क्राउन जो होता है वो विजिबल पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है और रूट जो होता है वो गम्स के अंदर होता है और सॉकेट के अंदर होता है ठीक है आउटर वाइट पार्ट जो होता है टूथ का वो एने से बना होता है किससे बना होता है एंड इट द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी तो ये पूछा जा सकता है नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी जिसको हम क्या कहेंगे दैट इज एनेमल ठीक है जी ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है वैसे इसकी ये बता दिखा रखी है कि ये टीथ के अंदर मेनली चार चीज़ें होती है देखो सबसे ऊपर होता है नैमल जो सबसे हार्ड होता है उसके अंदर डेंटिन उसके अंदर पल्प कैविटी उसके अंदर रूट कैनाल तो जब आपके जो की कैविटी होती है और कीड़ा लगता है कीड़ा जब अगर पल्प कैविटी तक आ जाए तो आपकी आर सिटी होती है आर रूट तक आपको वो भरना पड़ता है ठीक है अब आते हैं जी आपके कितनी तरह के टीथ होते हैं टीथ टीथ जो फूड को लार्ज पीसेस को कट कट के छोटे पीस कर देता है क्रश करता है ग्राइंड करता है छोटे पीस में वो चार तरह के टीथ होते हैं और चार तरह के टीथ अलग अलग काम करते हैं जैसे सबसे पहले जो सबसे आगे, आगे आपको मिलते हैं इन सीजर्स होते हैं एट होते हैं आगे वाले चार ऊपर चार नीचे ठीक है फिर साइड पे हमारे एक एक तीखा दांत होता है इन चारों के साइड पे दैट इज कैनाइंस ठीक है ये चार होते हैं वन एवरी साइड मतलब एनसीजर्स uh, के लेफ्ट में एक राइट right में एक ऊपर भी नीचे भी ठीक है देन केनाइंस के बाद आते हैं प्री मोलर्स जो पहली दो दो जाड़े होती हैं दोनों तरफ उनको हम कहते हैं प्री मोलर्स और पीछे वाली जो थ्री तीन जाड़े होती हैं और बड़ों में मिलती हैं ये तीन जाड़े अभी बच्चों में नहीं होती हैं और आ, आ, बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सिक्स मंथ्स में टीथ निकलते हैं सिक्स मंथ से निकलने शुरू होते हैं और डेढ़ साल तक वो पूरे निकल आते हैं डेढ़ साल तक ठीक है फिर उसके बाद वो छः साल पे टूटना शुरू होते हैं तो जो जितने छ साल तक जो निकलते हैं वो कितने हैं मतलब उनके माउथ में ट्वेंटी टीथ होते हैं टेन ऊपर टेन नीचे जिससे वो डाइजेशन करते हैं फिर वो उनको बोलते हैं मिल्क टीथ मिल्क टीथ आर ट्वेंटी नंबर टेन इन बोथ द जॉज अपर जॉ एंड लोअर जॉ ठीक है milk teeth. Milk teeth number, jaws, जी और ये होते हैं टेम्परेरी टीथ थोड़ी देर के लिए होते हैं फिर उसके बाद जब बड़े होते हैं तो उनमें नए टीथ आ जाते हैं उनकी जगह पर नए टीथ आ जाते हैं जो ज़्यादा हार्ड होते हैं और उन साइज में भी उनसे बड़े होते हैं एंड दे आर थर्टी टू इन नंबर इन द दिन जिनके पूरे दांत निकल आए वो थर्टी टू इन नंबर जो मोलर टीथ होते हैं ना जिसको अक्कल झाड़ बोलते हैं वो आफ्टर एटीन ईयर्स निकलती है तभी हम कहते हैं अडल्ट के बाद अब इसको ध्यान से देखो ये देखो ये चार दांत आपके इनसीजर हैं ऊपर भी और नीचे भी और चार दांतों के साथ वाला जो तीखा दांत है उसको बोलते हैं कैनाइन उसको क्या बोलते हैं कैनाइन ठीक है अब कैनाइन के साथ वाली जो दो जाड़े हैं तो जो डबल टीथ होता है जाड़ बोलते हैं जिसको दैट इज प्री मोलर और चारों साइड पे लेफ्ट भी राइट right भी नीचे लेफ्ट भी राइट right भी ऊपर देन पीछे वाले थ्री टीथ मोलर्स होते हैं ठीक है थ्री लेफ्ट डाउन uh, थ्री राइट right, डाउन थ्री लेफ्ट अप एंड थ्री राइट अप फाइन तो इस ये हमारे टीथ होते हैं इस तरीके से हमारे माउथ में विजडम टीथ इस तरीके से निकलता है और ये बाद में निकलता है बहुत अंदर तक होता है ठीक है ये लोअर इम्पैक्टेड विजडम टीथ है ये अपर विज इम्पैक्टेड विजडम टीथ है जब ये यहाँ तक आते हैं तो ये हमारे जॉ में स्वेलिंग करने लग जाते हैं और ये बहुत दर्द के बाद निकलते हैं तभी ये बड़ों के निकलते हैं ठीक है जी फिर आती है टंग की बारी टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है उससे पहले जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं इनिशियल केमिकल डाइजेशन डिपेंड्स ऑन एन असेसरी ऑर्गन सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता रहता है एक लिक्विड निकलता रहता है ठीक है आपके आगे हैं थ्री पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के हमारे माउथ में थ्री पेयर्स ये चाहे नेम नाम याद नहीं भी करोगे तो भी इट्स ओके क्योंकि हमें आपको इतना नहीं बताना है ठीक है दिस इज़ नॉट देयर डीज नेम्स आर देयर इन अपर क्लासेस फिर भी एक आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बताया है कि थ्री पेयर्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के पहला होता है पैरेटिड ग्लैंड ये ईयर के पास होता है ठीक है और ये मोलर के पास जो हमारे टीथ है मोलर के पास वहाँ से ये ऊपर वाले मोलर जो होते हैं ना वहाँ से ये सलाइवा हमारे मुंह में माउथ में डालता है देन सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ये नीचे वाले माउथ के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे होता है ठीक है जी देन ये अपना सलाइवा कहाँ छोड़ता है ये हमारे टीथ के साथ जो जॉ सी लाइन बनी हुई है उसके अंदर छोड़ता है सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होता है ये माउथ में अंदर होता है काफ़ी डीप सा होता है सो so, इससे क्या होता है ये भी टंग के नीचे से ये टंग के नीचे होता है टंग के नीचे से आपको सलाइवा देता है मेनली आपको सिर्फ ये याद करना है तीन होते हैं एक ऊपर चीक्स में होता है ईयर के पास दोनों एक होता है टंग के नीचे और एक होता है साइड में ठीक है मेनली सलाइवा का जो काम होता है ये देखो ये तो ना ये बना दिखा रखे हैं आपको कि कहाँ कहाँ पे ग्लैंस होते हैं सब लिंग सब मैंडिबुलर देन पैरेटेड ग्लैंड ये दिखा रखे हैं नाम याद नहीं रहते देन इट्स ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल फाइन सो ये क्या करता है इट हेल्प्स टू मॉइस्टर एंड सॉफ्टन द फूड लुक एट योर बुक प्लीज़ बुक देखो फटाफट देयर आर थ्री स्लाइवरी ग्लैंड पढ़ना है अभी थ्री आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन आर माउथ दे प्रोड्यूस अ वाटरी फ्लूड एक पानी जैसा लिक्विड बाहर निकलता है जिसको सलाइवा कहते हैं और ये खाने को मॉइस्टन करता है ठीक है सॉफ्ट करता है और इजी टू स्वेलो निगल हम इजी लेते हैं एक एडल्ट में एक लीटर के करीब सलाइवा रोज बनता है स्लाइवरी ग्लान्स में समटाइम्स गेट स्टिमुलेटेड सिंपली इवन कभी कभी हम किसे अचार की स्मेल आ जाए या किसी और चीज़ की स्मेल आ जाए और भूख लगी हुई हो तो मुंह में सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है अपने आप ठीक है जी देन टंग में आते हैं टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है सबको पता है और टंग के काम क्या है भाई टंग का काम है इट हेल्प्स अस टू नो द टेस्ट ऑफ द फूड फूड का टेस्ट वेट सो इन दिस अब टांग देखिए टांग इज द मास्क्यूलर ऑर्गन जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है ये हमें फूड टेस्ट करने में हेल्प करता है ये हमें फूड निगलने में हेल्प करता है ये हमें फूड को मिक्सअप करने में हेल्प करता है सलाइबा के साथ जो सलाइबा सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है फिर यह हमें स्पीच में बोलने में हेल्प करता है हमें टेस्टिंग के साथ स्पीकिंग और सिंगिंग भी करते हैं और जो टाइनी बम्स होते हैं जो टेस्ट करने में हेल्प करते हैं उनको हम टेस्ट वर्ड्स बोलते हैं ये टेस्ट वर्ड्स जब खाना खाते हैं तो टेस्ट वाले मैसेजेस हमारे ब्रेन में भेजते हैं और ब्रेन से हमें ब्रेन हमें बताता है कि ये टेस्ट कैसा है ठीक है ये देखो ये आपका डायग्राम है ये डायग्राम आपको बनाना भी है ठीक है नेक्स्ट वाला डायग्राम जो आपकी बुक में दे रखा है से रिलेटेड वो आप बनाएंगे ये आपकी टंग है जो आपके माउथ के अंदर है इसमें सबसे आगे आपको मीठा टेस्ट फील होता है उसके साथ वाले जो बम्स हैं उसमें सॉल्टी टेस्ट फील होता है उससे पीछे वाले जो हैं उसमें खट्टा टेस्ट सोर और सबसे लास्ट में पीछे जो है वो दैट इज़ फॉर बिटर कड़वी चीज़ यहाँ पे फील होती है ठीक है ये आपके टंग के ऊपर कैसे होते हैं बॉम्प्स ये मैंने दिखाए एंड देन यू आर हैविंग इट इन डायग्राम ठीक है सबसे आगे स्वीट इधर सॉल्ट देन उससे बीच इज शॉर देन बिटर देन इसमें जो होते हैं काफ़ी कम होते हैं ठीक है बिल्कुल बीच में एक मिला जुला सा इफेक्ट रहता है देन दिस इज द डायग्राम टंग टेस्ट पच्स फाइन सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड रीड द फुल डाइजेस्टिव सिस्टम Uh, up to salivary glands. Fine. Thank you.